बहराइच जिले के सुजौली क्षेत्र के विसुन टांडा गांव में बीती रात ग्रामीण के घर में घुसकर चोरों ने किया हाथ साफ। बता दें, विसुन टांडा गांव निवासी निर्मल पुत्र महादेव ने घर बनवाने हेतु अपनी जमीन बेचकर 3 लाख रुपए नगद घर के बक्से में जुटा कर रखे थे। रात में अत्यधिक गर्मी के कारण घर के सदस्य आंगन में सो गए। रात में लगभग 1 बजे के आसपास चोरों ने घर में घुसकर रुपयों वाला बक्सा व जेवरात उठा लिए। बक्से को घर से 50 मीटर की दूरी पर रखकर उसमें रखे 3 लाख रुपए व जेवरात निकालकर चोर भाग निकले। इस चोरी की घटना के बारे में निर्मल को पता चला जब रात्रि 2 बजे के करीब बिजली चली गई। जब उसने घर में जाकर देखा तो बक्सा गायब था। उसने अपने भाई को जगाया, बाहर जाकर देखा कि आम के पेड़ के पास बक्सा पड़ा है, परंतु उसमें कुछ नहीं है। इन पैसों से ग्रामीण बिल्डिंग मटेरियल का सामान लाकर घर बनवाना चाहता था। रात में सूचना पर पहुंची सुजौली पुलिस ने मौके पर की जांच तथा तहरीर मिलने के पश्चात कार्यवाही का भरोसा दिलाया। निर्मल, क्या हुआ है? चोरी हुई। बताओ पूरा। 12-1 बजे के आसपास में हुई। अच्छा। और फिर देखने के जब उठे रात में तो वहाँ पर बक्साने का लाइट बता गई थी। उसके बाद मैं देखने लगे तो बक्सा आम के पास ही दिखा। बक्सा उसके नज़दीक में देखो, उसमें लमसम आसपास कोई नहीं था। उसके बाद बक्से में 3 लाख रुपए थे और जेवर थे दो, हमारे मलकिन के और हमारे भैरों की। कितने रुपए का जेवर और लमसम 2 कमर बिछे थे। अब उसको हम टोटल लगभग कितने रुपए का? 1.5 लाख के आसपास में जेवर और नगद पैसा 3 लाख। टोटल कितना हो गया? 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए। पुलिस को सूचना दिए? आया कोई? हाँ, रात में आया थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।